कुछ कॉम्प्लिकेशंस इन डायबिटीज के बारे में बताना चाहूंगी। टॉप टू बॉटम, फ्रॉम द टिप ऑफ द हेयर टू द टिप ऑफ द टो, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो डायबिटीज से इफेक्ट नहीं होता या जिनमें कॉम्प्लिकेशन शुगर की वजह से नहीं होते। शुगर अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती, बट धीरे धीरे हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। बालों का झड़ना, आँख से कम दिखना, नोज में फंगल इन्फेक्शन, माउथ में इन्फेक्शन, डेंटल प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम्स, रिलेटेड थायराइड प्रॉब्लम, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लंग्स, जेनाइटल ऑर्गन्स, मसल्स, नर्व, हर चीज टॉप टू बॉटम डायबिटीज से डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में आ सकती है। और इन कॉम्प्लिकेशंस से अगर आप बचना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक और एक ही मूल मंत्र होता है, वो होता है राइट ब्लड शुगर मैनेजमेंट या वेरी गुड शुगर कंट्रोल। तो प्लीज अपने शुगर को कंट्रोल करिए टू प्रिवेंट योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। मेनोपॉज एंड डायबिटीज के बारे में बताऊंगी। जब तक मेनोपॉज नहीं आता तब तक एक वुमेन चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, सबसे उन हॉर्मोन्स के कारण बची हुई रहती है। बट मेनोपॉज आने के बाद इन कंपैरिजन टू मेन, उनमें वो रिस्क 2 से 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। डायबिटीज की रिस्क बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर की रिस्क बढ़ जाती है और हार्ट प्रॉब्लम्स की रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए प्री मेनोपॉजल स्टेज से बहुत अच्छा लाइफस्टाइल एक लेडी को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में उसे डायबिटीज या डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उन्हें नहीं फेस करना पड़े। एंड व्हाट डज इट मीन, जैसे कि हमारा 40 के बाद एक हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाता है, तो वहीं से हमको अपना डाइट चेंज करना चाहिए। वी शुड इंक्रीज अवर एक्सरसाइज डेवलप कर लेना चाहिए। योगा का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए और वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए, उससे हम जो डायबिटीज के रिस्क मेनोपॉजल एज ग्रुप में होती है उससे बच सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट डायबिटीज का क्या होता है? तो डायबिटीज में कुछ बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर आप सही मायनों में सुनना चाहें तो डायबिटीज का बेस्ट मैनेजमेंट होता है। और बेस्ट मैनेजमेंट के लिए 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। टाइम पे दवा लेना, जो भी आपको डॉक्टर ने बताया है। अगर इंसुलिन बताया है तो उस इंसुलिन पे और टैबलेट पे एडहेयर करके रखना, मतलब जिस टाइम पे वो बताया है उसी टाइम पे लेना। खाने के ऊपर प्रॉपर ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं डाइट। और डाइट हमेशा एक डाइटिशियन की एडवाइस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपकी डाइट आपके बॉडी के लिए क्या है ये डाइटिशियन से बेस्ट कोई भी नहीं बता सकता। थर्ड, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से बॉडी के हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं, उनसे नेचुरली कुछ तरीके से शुगर कंट्रोल होता है, तो एक्सरसाइज करना चाहिए। और पांचवा और लास्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस कभी लाइफ से जा नहीं सकता, बट स्ट्रेस को मैनेज करना है ये आपको आना चाहिए। तो अगर आप ये 5 चीज़ें इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं तो आपका डायबिटीज का ट्रीटमेंट बेस्ट हो जाता है। वुमेन एंड डायबिटीज के बारे में बोलना चाहूंगी। ऐसे तो वुमेन में डायबिटीज की जो रिस्क होती है वो होती है, बट उसमें बहुत सारे स्पेशल रीजंस होते हैं जहाँ के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, जैसे कि लाइफस्टाइल, ओवर एक्सरसाइज। ये बहुत सारे कारण होते हैं जिनमें वुमेन अपना घर के कारण, अपने घर और जॉब के कारण ध्यान नहीं दे पाती, उसके कारण वो ज़्यादा प्रोन हो जाती है डायबिटीज के लिए। और ख़ास तरह से आजकल स्ट्रेस डायबिटीज वुमेन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा एक बहुत स्पेसिफिक पीरियड होता है प्री मेंस्ट्रुअल। एक प्री मेंस्ट्रुअल सर्च ऑफ शुगर होती है हर डायबिटिक वुमेन में बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल चेंजेस एंड अगेन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद प्री मेंस्ट्रुअल पेन्स एंड डिस्कम्फर्ट। दूसरा, एक जब एक वुमेन मेनोपॉज एज की तरफ जाती है तो वहाँ उसकी रिस्क एक मैन से 4 टाइम्स ज़्यादा डायबिटीज़ के लिए बढ़ जाती है। तो
वहाँ उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और उस एज ग्रुप में जाने के बाद डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी और डायबिटीज के बारे में बताना चाहूँगी। अगर कोई लेडी पहले से डायबिटिक है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको डायबिटीज इन प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगर किसी को पहले डायबिटीज नहीं है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में पहली बार डिटेक्ट होती है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। चाहे प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज हो चाहे जेस्टेशनल डायबिटीज हो, प्रेग्नेंट वूमेन में स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे टैबलेट से, चाहे इंसुलिन से और चाहे मिक्स ऑफ टैबलेट और इंसुलिन से। बिकॉज अगर प्रेगनेंसी में शुगर का अच्छा कंट्रोल नहीं होता तो उसका रिफ्लेक्शन बेबीज में आफ्टर बर्थ इन द टर्म्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मदर में होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि बेबी का वेट ज़्यादा होता है, लिकर एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं वो कम या ज़्यादा हो जाता है, अर्ली प्रीमैच्योर डिलीवरीज हो जाती है और बर्थ होने के बाद कंजेनाइटल एनोमलीज वगैरह होती है। इसलिए शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए। आजकल एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जो प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल के लिए हम एडवाइस करते हैं वो होता है इंसुलिन पम्प। बिकॉज इंसुलिन पम्प फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ द बॉडी को कवर करता है, तो वैसे वो इंसुलिन सप्लाई करता है जैसे नॉर्मली अदरवाइज इंसुलिन करता है।